सरकार में ये सारा चीज हो रहा है। देखने भी तो कम से कम आवे, समझौता बाद में होगा क्या होगा नहीं होगा, लेकिन इस परिस्थिति में जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं, जो लोग आईसीयू में हैं, फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं। मानवता क्या, मानवता शर्मसार हो गया क्या? मानवता का नाम का कोई चीज नहीं है सरकार में क्या? अगर हम यही बात बोलते हैं तो लोग बोलता है ये बागी है, जन्मी चीज हम देख रहे हैं तो बोलेंगे नहीं तो क्या हो? सरकार में है, हम भी उसी दल के हैं। आज आप लोग अपना अधिकार, आप लोगों ने मांग पत्र भी दिया है, देने के बावजूद अल्टीमेटम देने के बाद आप यहाँ आए और फिर भी सरकार से उन्हें सचेत नहीं, और इसे क्या करें? कुछ लोगों को जब कर दिया तो उसी पेट्रक में इसको भी करो, जब रास्ता बना बनाया हुआ है। मैं हर जगह बोलता हूँ कि भाई देखिए, आज ये जनतांत्रिक तरीका है लड़ाई लड़ने का, अपना अधिकार लेने का, अपना हक मांगने का, एक जनतांत्रिक तरीके से ये अपना धरना प्रदर्शन पर धरना पर हैं। अब आईसीयू में लोग हैं, कोई लोग एडमिट हैं, लेकिन ये सरकार को क्या हो गया कि अभी तक देखने के लिए नहीं आया? इससे और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? लोगों का उम्मीद है ना सरकार पर, सरकार ने इन लोगों को अनुबंध पर बहाल किया है तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है। मैं लगातार इन लोगों से बात करता हूँ, कहते हैं कि हमको सरकार पे भरोसा है कि वो कुछ कर देंगे, लेकिन अब तो क्या है, मरने के बाद इन लोगों को करेंगे वो? वही ना हम कह रहे थे, इसका मतलब है मानवता का कोई ख्याल नहीं है। ये सरकार में ये सारा चीज हो रहा है, देखने भी तो कम से कम आवे, समझौता बाद में होगा क्या होगा नहीं होगा, लेकिन इस परिस्थिति में जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं, जो लोग आईसीयू में हैं, फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं। मानवता क्या, मानवता शर्मसार हो गया क्या? मानवता का नाम का कोई चीज नहीं है सरकार में क्या? अगर हम यही बात बोलते हैं तो लोग बोलता है ये बागी है, जो जन्मी चीज हम देख रहे हैं तो बोलेंगे नहीं तो क्या हो? सरकार में है, हम भी उसी दल के हैं। आज आप लोग अपना अधिकार, आप लोगों ने मांग पत्र भी दिया है, देने के बावजूद अल्टीमेटम देने के बाद आप यहाँ आए हैं और फिर भी सरकार से सचेत नहीं है, और इसे क्या समझा जाए? अच्छा, एक सवाल है रविंदा की, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, जोहार टू यात्रा पे निकली है, लेकिन यहाँ बगल में बैठे हुए धरने पे लोग कुछ समझ में नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रही है? वही बात तो हम बोल रहे हैं यार, आप जोहार यात्रा में कहीं भी निकलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आज का यहाँ इन लोग जो आए हैं क्या शौक से आए हैं क्या? हाँ, आप देख रहे हैं कोई पराया है क्या? ये लोग सभी लोग झारखंड की बहनें हैं, अपना मांग जनतांत्रिक तरीके से लोग रख रहे हैं, लेकिन जो अभी हॉस्पिटलाइज है, आईसीयू में रखा गया है, फिर भी डिपार्टमेंट के आदमी नहीं आए, सरकार के अधिकारी लोग नहीं आए देखने के लिए, इससे विडंबना और क्या हो सकता है? अच्छा, आप कितना साथ दे रहे हैं लोगों? अब हम क्या बताओ आपको कितना साथ, बोलिए तो हम भी यहाँ पर सोचकर। अच्छा, हम तो अगर आप ये पदार्थ जांचिए बात हमको, हम हमारे लोग हैं, इसका स्थिति परिस्थिति को देखते हुए अगर हम, मैं चाहूंगा तो हम, मैं भी सो जाऊंगा अनशन पर। क्यों नहीं रखेंगे? किसके लिए बने हैं? यही लोगों ने हम लोगों को भेजा है ना, तो हम सरकार में क्यों बात रखो नहीं रखो? क्या हम उसी दल के हैं तो क्या मैं मुख बधिर, मैं हम चुपचाप रहे? लोबी ने से ऐसा नहीं हो सकता। एक सवाल है कि आप एक बार में सदन में आप कार्रवाई चल रही थी तो आपने सदन से बाहर आके बोला कि हमको बोलने नहीं दिया गया, आपकी सरकार आपको बोलने नहीं देती है, तो किस तरह से आप रख पाइएगा? हम रखे ना बाहर में, सदन में नहीं दिया तो बाहर में तो रखे, हम रखे। जिस तरह से 1932 को लेकर, छोड़िए 1932-1936 का बात होते रहेगा, ये यहाँ का स्थिति परिस्थिति का बात करिए। सवाल पूरा करने से, जिस तरह आप 1932 की तरह धरना पर बैठे थे, उसी तरह इनके मांग को लेकर भी आप भी धरना पर बैठे? अरे भैया, ऐसा है तो मुख्यमंत्री भी, ऐसा है तो मुख्यमंत्री भी आउटसोर्सिंग में रहे, मंत्री भी आउटसोर्सिंग में रहे। जब आउटसोर्सिंग में सारा चीज हो रहा है तो मुख्यमंत्री भी रहे आउटसोर्सिंग में, मंत्री भी रहे आउटसोर्सिंग में। चलिए हो गया, सोलह साल से काम कर रहा है और सरकार गई है इनके पास कि आप मुझे लेकर के आओ, ये आउटसोर्सिंग का लफड़ा खत्म कर देंगे। के बोला क्या बात है?
अनुबंध कर्मी लोग, अनुबंध कर्मी। अरे भैया अनुबंध कर्मी, आज आज सुने ना, क्या इन लोगों का कोई गारंटी है? लाइफ का कोई गारंटी है बताओ? कोई कोई गारंटी नहीं है सर, इलाज भी आयुष्मान में नहीं होगा। अरे यार इतना इतना वैकेंसी है, वैकेंसी के आधार पर आप नियुक्ति तो करो। हम लोग फिक्री पत्र पर आए हैं सर, तब और आरक्षण उसका किया गया 16,000 से नहीं, नहीं यार कुछ लोगों को कर दिया गया जी सर, 2014 में कुछ लोगों को जब कर दिया तो उसी पैटर्न में इसको भी करो, जब रास्ता बना बनाया हुआ है। 16 साल में 16,000 रुपया, ऊपर से कोरोना काल में काम करना, अनुबंध का सारा दुखड़ा हम सुन लिए, सारा दुखड़ा हम सरकार में इस बात को रखेंगे और भरदम रखेंगे इसको। हमने उसको बताया कि ऐसा ऐसा है, लोग हॉस्पिटल में एडमिट है और कुछ लोग आईसीयू में है, स्थिति खराब होते जा रहा है। हमने अवगत करा दिया और हमने रिक्वेस्ट किया जी। हमने यही रिक्वेस्ट किया कि यहाँ का हालात स्थिति ठीक नहीं है, आप इस पर पहल करिए। तो उन्होंने कहा कि हम कल प्रयास करते हैं, हम बात करेंगे। क्या वो भी आएंगे? क्या हम आएंगे? नहीं आएंगे, लेकिन पहल करेंगे कि बात जो उन्होंने आश्वासन दिया। चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।